ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 5। व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैसे तो देखने जाओ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, जिस जो जो भी इक्वेशन में पावर आपके 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि अगर पावर 2 है तो आपके रूट्स भी कितने होंगे? वो भी 2 ही होंगे। मतलब कि रूट्स मतलब क्या? आप जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 2 ही आएंगे। ठीक है, मतलब कि पावर जितना हो, हाईएस्ट डिग्री जितनी हो, उतने ही रूट्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, तो ये इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इक्वेशंस कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व 2 तरीकों से किया जाता है। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो हम आइडेंटिटीज और वो सब यूज़ करके ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ये सारे मेथड्स है, मतलब कि फैक्टराइजेशन करके हम फाइंड करते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से नहीं होता है तो एक डिफाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो ये स्टैंडर्ड में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी एक्सरसाइज 5A है, उसके बाद 5B में फैक्टराइजेशन है। जब भी हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक्सरसाइज लेंगे तब मैं आपको डिटेलिंग में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन भी सिखाऊंगी कि वो कैसे आया, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम अभी एक्सरसाइज 5.A स्टार्ट करते हैं। बी होल स्क्वेयर, सो 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9x² माइनस 11x माइनस 39 इक्वल्स टू 0। हैंस सेकेंड डिग्री है और एंड इट रिप्रेजेंट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस द आंसर इज यस। सेकेंड देखने जाओ तो सेकेंड में क्या है? 5x² माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 7 माइनस 2x। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा सॉल्व कर लो एक दो मैथ, वो ये तो क्या ये समझने के लिए, बाकी ये एक्सरसाइज में दूसरे और कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद ये है एक्स माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको दोनों तरफ से सॉल्व करो, दोनों साइड से सॉल्व करो, और दोनों साइड से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 3x² माइनस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब ये देखिए, ये 3x² और 3x² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमको मिला क्या? हमको मिला 16x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 नहीं है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ, x² प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। x² एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो गया, सो इट इज नथिंग बट 11x माइनस 14, तो ये भी नहीं है। ठीक है, नाउ फिफ्थ, 7x³ माइनस 2x² यहाँ पे तो देखिए हाईएस्ट पावर ही 3 है, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक।
यहाँ पे एक स्क्वायर करना है तो मैक्सिमम यहाँ पे ये साइड तो स्क्वायर ही आएगा, ठीक है? तो मतलब क्यूब क्यूब कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, ओके? तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, बीच में माइनस नहीं है, सो प्लस ही है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² - 5x + 8 = 0, और ये है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन टू। इज एक्स इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² - 2x - 15। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहां पे 0 आया, सो इट इज ट्रू। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 5 इज अ सॉल्यूशन। अब सेकेंड, एक्स इक्वल्स टू -3। अब हम दिया क्या है, 2x² - 7x + 9 = 0। सो 2 × -3² - 7 × -3 + 9 = 0। 2 × -3² मतलब 9 - +21 + 9 = 0। तो ये तो सब प्लस प्लस हो रहा है, तो ये तो 48 हुआ, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस ये क्या है, इट इज फॉल्स। एक्स इक्वल्स टू -3 नहीं है इसका इक्वेशन, ठीक है? ठीक है, तो ये 3 × 2/3 + √2m/√3 + 2 = 0। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, ओके? तो यहाँ पे √2m/√3 = ये क्या हो जाएगा, -4। सो m = -4√3/√2। अब एक्चुअली नीचे आप कभी भी रूट में आंसर नहीं लिख सकते। अपॉन 2, ये क्या हो गया मेरा 2, सो -2√6 इज माई आंसर, ओके? ये बराबर से ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी सॉल्व करते हो ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर रूट आए तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दो, ओके? क्वेश्चन 4। टू बाई थ्री एंड वन आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड टी। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 एंड 1 आर द सॉल्यूशन, ठीक है? तो पहले तो 2 लिखो, 1 लिखो। ये क्या होगा, 4m/9 + 2n/3। एलसीएम क्या होगा, 9, 4m + 3 2 6 + 9 6 54 = 0। एक इक्वेशन आपका ये आया। अब यहाँ पे 1 रख लो, ठीक है? तो यहाँ पे m + n + 6 = 0। अब हमने एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है, ठीक है? तो ये पूरे इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। 4m + 4n + 24 = 0।
ये आप यहाँ पे ला दो, 4m + 4n + 24 = 0, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 6 - 4 क्या है 2n, 54 - this ये क्या है +30 = 0, ठीक है। तो ये n क्या आया, n आया मेरा -15, अब वो मैं यहाँ पे रख दूंगी m - 15 + 6 = 0, सो m - 9 = 0, तो m क्या है मेरा 9, सो n इज -15 एंड m इज 9, ओके। नाउ क्वेश्चन 5, थ्री एन माइनस थ्री आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, मतलब ax² + bx - 9 = 0, और थ्री एन माइनस थ्री उसके सॉल्यूशन है, तो पहले तो a² + b(3) - 9 = 0, सो 9a + 3b - 9 = 0, यहाँ पे -3, तो a - 3² + b - 3 - 9 = 0, ये 9a - 3b - 9 = 0, तो इसको और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कैंसिल, और ये क्या हुआ 18a - 18 = 0, तो 0, b = क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और कोई चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।